नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवी। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आंख, नाक, कान और गला। वैसे तो सभी अंगों की अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन कान, नाक, गला एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे में सही विशेषज्ञ की सलाह लेना थोड़ी राहत पहुंचा सकता है। लेकिन आजकल कई फिजिशियन भी कान, नाक, गला का इलाज कर मरीजों को मरणासन स्थिति में पहुंचा देते हैं। तो आइए आज आपको मिलाते हैं दरभंगा के कान, नाक, गला विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार से, जिनका क्लिनिक अलपट्टी में साई हॉस्पिटल के नाम से अवस्थित है। देखिए इनके यहाँ क्या क्या विशेषता और सुविधा है, लेकिन आप सोच समझ कर निर्णय लें अपने सामर्थ्य के अनुसार। बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, सीधा संपर्क करें। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें जनहित में। MBBS की डिग्री हासिल किए थे 2004। और इस अस्पताल की स्थापना कब किए गए हैं? 2008 में। मेडिकल क्षेत्र में आने का उद्देश्य यही है कि कम से कम खर्च में गरीबों का इलाज हो, और जो बाहर की सुविधा है वह एक छोटे शहर में उपलब्ध हो जाए। कान, नाक, गला आज कल बहुत लोग अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है अब पहले की अपेक्षा। पहले लोगों के कान से मवाद आता रहता था, बस गिरता रहता था, पानी गिरता रहता था, पहले लोग इलाज नहीं कराते थे। अब एक ही बहुत अवेयरनेस हो गया, जिसके चलते अभी बहुत मरीज जो है काफ़ी बहरेपन रहते हैं, कान में झिकुर की आवाज़ें आने लगती है। अब क्या है कि अब ये क्षेत्र जब से ये हमारा जो क्रांति आई इंडोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी जब से आई, तब से लोग बहुत अवेयरनेस हो गए और कान के इलाज के लिए बहुत जागरूक हो गए। अब कोई भी कान में कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो लोग चाहते हैं कि हमें अच्छे से इलाज कराऊं, ड्रॉप ना डालूं, दवाइयां ना खाऊं और अच्छे से ट्रीटमेंट कराऊं उसका। और गले में भी अभी बहुत हम लोगों का जो अभी लैंजोस्कोपी जो आई, नया इंडोस्कोपी आया, जिससे मरीजों की बहुत जल्दी बीमारियों की पहचान हो जाती है। ये हमारे नाक कान गल में काफ़ी अवेयरनेस आया है। साइनस तो कोई ऐसा ये नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, साइनोसाइटिस बीमारी होती है जो हमारे जो साइनोसाइटिस होती है। साइनस तो ढेर सारा होता है, लेकिन जो साइनोसाइटिस होती है उससे क्या होता है कि साइनस में इन्फ्लामेशन होता है, ड्यू टू एलर्जिक भी होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, वायरल इन्फेक्शन भी होता है। उसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव भी होता है जो मेडिसिन से होता है, और सर्जिकल भी ट्रीटमेंट होता है इसका। मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है इसका, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो भी होता है, और आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। अगर नाक में कोई मास बन जाता है, बार बार एलर्जिक रिएक्शन होता है तो नाक में पॉलिप बन जाता है, मास बन जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल इंटरवेंशन से होता है। थायराइड जो होती है, जिसको कि थायराइड जो होती है वह हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी का, जो कि अगर हमारा जो है ग्लैंड्स थायराइड ग्लैंड्स है, अगर आपको हार्मोनल डिफिशेंसी हो गई, ये हाइपरथायराइडिज में है या हाइपोथायराइडिज में है, तो मरीज का मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है। अगर गॉइटर है, जिसको हम लोग घेगा बोलते हैं, अगर वो मरीज को है तो उसका सर्जिकल इंटरवेंशन भी होता है। उसमें भी बहुत सारा टाइप्स होता है, बेनाइन लीजन भी होता है और बहुत ज़्यादा मेगनेंसी भी होती है, जो उसको कैंसर भी हम लोग बोलते हैं, उसका भी सर्जिकल इंटरवेंशन होता है। और साइनोसाइटिस के बारे में कि साइना और ये थायराइड में कोई ऐसा कुछ अंतर, दोनों में कोई संबंध नहीं है। इलाज उसमें तो पहले डायग्नोसिस होनी चाहिए कि सुनाई मरीज को क्यों कम देता है, उसका नस में खराबी है या कंडक्टिव कोई पर्दा फटा हुआ है या बोन में कोई लेजन है, बोन चिपका हुआ है, उस पर डिपेंड करता है प्लांड होती है सर्जरी की या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। मेरे यहाँ बहुत सारे आधुनिक मशीनें हैं जो कि अभी टॉप क्लासेस में हैं। आपको स्काइलजाइस की माइक्रोस्कोप है, स्टोर्ज की इंडोस्कोपिक सर्जरी है, जर्मनी की आपको स्ट्राइकर की मशीनें हैं, यूके की मेट्रो डिवाइडर मशीनें हैं जो नाक का ऑपरेशन होता है, गले के ऑपरेशन के लिए भी जापानीज मशीनें हैं मेरे पास, ईयर सर्जरी के लिए
ईयर सर्जरी के लिए भी जैपनीज मशीन ही है, माइक्रो सर्जरी के लिए जाइस की माइक्रोस्कोप है, ये सब आधुनिक मशीनें हैं मेरे यहाँ। अभी तो हमारा बीमारी का बहुत ज़्यादा खतरा आपको थ्रोट से है, थ्रोट गला, गला में अभी ज़्यादा बीमारियाँ होने की चांसेस रहती है, क्योंकि हमारा हमारा जो है ना अभी जो इस एरिया के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, जैसे सिगरेट गुटखा खाना स्मोकिंग करना, उसमें क्या है कि हमारे जो इस एरिया में है बहुत पुअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा ये सब सेवन करते हैं सिगरेट गुटखा पान मसाला और स्मोकिंग, जिससे कि गले में कैंसर होने की बहुत संभावनाएँ रहती है। मेरे यहाँ 6 डॉक्टर्स काम करते हैं, जिसमें ENT सीनियर रेजिडेंट भी काम करते हैं और 2 जूनियर भी काम करते हैं और 2-3 JR भी काम करते हैं हमारे यहाँ, और पैरामेडिकल स्टाफ 6 हैं, 6 नर्सेस हैं, ड्रेसर है, ऑडियोलॉजिस्ट है और सारे स्टाफ से बहुत सारे स्टाफ हैं, 40-50 स्टाफ काम करते हैं। आउटडोर की फीस 500 रुपये है मेरे यहाँ, ऑपरेशन की चार्जेस हैं, अलग अलग ऑपरेशन की अलग अलग चार्जेस होती है। जब काम सुनाई देता है मरीज को तो मशीनें, तो इसको हेयरिंग एड बोलते हैं, जिसकी जितनी क्षमता की लगनी रहती है उतनी क्षमता की मशीन लगती है उसके कान में। मैं एक दिन में ऑपरेशन 2-3 ऑपरेशन करता हूँ। DMCH में ड्यूटी जो है हमारा 6 दिन का है, और OPD होती है और इंडोर होता है और ऑपरेशन का डे होता है। ऑपरेशन का डे हम लोग का थर्सडे को है, OPD की आउटडोर हम लोग की फ्राइडे और मंडे को ही है, बाकी दिन इंडोर होता है। मेरे यहाँ इंश्योरेंस का केवल हम लोग अभी आयुष्मान की तरह काम करते हैं, आयुष्मान के मरीज आते हैं उसी का काम होता है, बाकी और कोई इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है। मिथिला मंच का भी हमारे शहर में बहुत अच्छा न्यूज चैनल है और ये बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, खासकर मेडिकल फील्ड को बहुत अच्छा कवरेज देते हैं, लोगों को बहुत जागरूक करते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बेस्ट कहाँ ट्रीटमेंट होता है, ये इन्होंने काफ़ी ये सहयोग किया है।